सोलन में बढ़ती महंगाई को लेकर सीपीआईएम ने धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर पूरे देश में दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार को घेर रहा है। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है। सोलन में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और लगातार बढ़ रही महंगाई पर रोक लगाए जाने की मांग की है। यह धरना प्रदर्शन भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के आह्वान पर किया गया, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, संविधान पर हमलों, श्रम कानूनों में बदलाव और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस मौके पर जिला सचिव ने कहा कि लंबे समय से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों को दरकिनार कर रही है। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। आज हमारा पूरा प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हुए है, पूरे प्रदेश के अंदर। इसके अंदर जो मुख्य मांगे हैं, आपको जैसे पता है जो पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल और पेट्रोल जो है, इसकी लगातार कीमतें बढ़ रही है। साथ में जो आपने देखा होगा कि रसोई गैस जो है हर 2-3 दिन बाद जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही है। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है, इसे जो जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि अभी जो है तीन कृषि कानून जो पास किए गए हैं, हम लगातार मांग कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर जो 500 से ज़्यादा किसान संगठन है वो भी ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को जो वापस लिया जाए। तो सरकार को ये कृषि कानून जो है वापस लेने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपको पता है लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, हमारा सरकार से ये भी हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है इस महंगाई पर अंकुश लगाए। इसके साथ साथ सरकार ने ये प्रॉमिस किया था, जो पिछली सरकार ने भी और जो नई सरकार बनी है उसने प्रॉमिस किया था कि जो हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, और आज पूरे देश के अंदर जो है बेरोजगारी जो है वो बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा निवेदन है कि पूरे देश के अंदर पढ़े लिखे युवाओं जो है लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें जो है रोजगार का प्रबंध करवाया जाए।